पंजाबी की कहावत है कि दिल जवान होना चाहिए, उम्रों में क्या रखा है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल, तकरीबन 90 साल की उम्र में पांचवी शादी करने वाले सऊदी अरब के एक ज़ईफ़ उम्र शख्स ने रिश्ता इज़दवाज में बनते ही छठी बार दूल्हा बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। खलीजी अखबार गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के सूबे अफीस से ताल्लक रखने वाले ज़ईफ़ उम्र शख्स की पांचवी शादी की वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद अरब मीडिया में बुजुर्ग शख्स स्टार बन गए। पांचवी बार शादी करने वाले ज़ईफ़ उम्र शख्स नासर बिन दायम की वीडियोस वायरल होने के बाद मुतअद्दिद नशरियाती इदारों ने उनके इंटरव्यूज किए, जिसमें उन्होंने छठी बार भी शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। एक अरब टीवी से बात करते हुए ज़ईफ़ उम्र शख्स ने शादी की खुसूसियात बयान करते हुए उसे जिस्म और जहन के लिए पुरसकून और पुलुत्फ करार दिया और नौजवानों को तजवीज दी कि उन्हें शादियां करनी चाहिए। ज़ईफ़ उम्र शख्स का कहना था कि शादी का ताल्लुक उम्र से नहीं होता और नौजवानों को दुनिया की खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए सुन्नत पर अमल करने के लिए शादियां करनी चाहिए। एक सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो अब दादा बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो छठी बार शादी करने की तमन्ना रखते हैं। ज़ईफ़ उम्र शख्स की जानब से 90 बरस की उम्र में शादी की खबर और वीडियोस वायरल होने के बाद अरब सोशल मीडिया सार्फीन ने इस पर तबसरे करते हुए उन्हें और उनके बच्चों और पोतों को मुबारकबाद पेश की। बाद अफराद ने 90 बरस की उम्र में पांचवी शादी करने पर उन्हें आड़े हाथों लिया। तमाम ज्यादातर अफराद ने उनकी वीडियोज पर दिलचस्प कॉमेंट करते हुए उनकी नई दुल्हन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। रिपोर्ट से ये मालूम नहीं हो सका कि उन्होंने कितनी उम्र की खातून से शादी की है, ताम उन्होंने पहले भी 4 शादियां कर रखी हैं। ज़ईफ़ उम्र शख्स को पहले 4 बीवियों से 5 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटे का इंतकाल हो चुका है, जबकि उनके पोते भी हैं और जल्द ही वो परदादा भी बनने वाले हैं। उन्हें शादी पर अपने पोते ने भी मुबारकबाद पेश की और लिखा कि वो अपने दादा को नई इस दवाजी जिंदगी शुरू करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं।